बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक फूड सीक्रेट, और यूनिक फूड सीक्रेट में आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की भुजिया। इसके लिए बैंगन मैंने बारीक पीस कर लिए इसके, और इनको नमक लगा के मैंने रख दिए ताकि इनका कलर चेंज ना हो जाए। और बाकी मसाला मैं तैयार कर लूँगी, भी प्याज लहसुन अदरक वगैरह। फ्लेम मैं ऑन कर लूँगी। प्याज मैंने बड़े अच्छे तरीके से चॉप कर लिए हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसके साथ ही जीरा और हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च और नमक ऐड कर देंगे। नमक मैंने चूंकि लगाया हुआ है इसको, बैंगन के जो पीसेस हैं उनको लगाया हुआ है, तो अभी मैं कम ही यूज़ करूंगी। थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूंगी। ड्राई मसाला जितना भी है तो मैं सारा इसमें डाल दूंगी। अभी मसाला मेरा मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें बैंगन डाल दूंगी। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है ताकि जो नमक एक्स्ट्रा वो निकल जाए। ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगी स्लो फ्लेम पे। इसको मैंने कवर करके 10 मिनट के लिए रख दिया था, लेकिन अभी तक ये गले नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो मैं दोबारा रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। स्टीम पे रखूंगी स्लो फ्लेम पे, क्योंकि ये जो पीसेस हैं इनको नजर नहीं आना चाहिए। बैंगन मेरे तकरीबन गल चुके हैं, अब मैं उनको थोड़ा सा मैश कर लूंगी। सालन मेरा तैयार हो चुका है। अदरक से मैं इसकी गार्निश कर दूंगी। उम्मीद है कि आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो ये है जी हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी।